ये रास्ता पकड़ के आपको सीधा जाने का दरकार नहीं है, आप बाएं मुड़िए, देखिए बाएं तरुणदार है महामा मंदिर जाने के लिए। ये तरुणदार अतिक्रम करते हुए आपको करीबन 1 किलोमीटर जाने के बाद आपको मंदिर मिल जाएगा। आदिशक्ति महामाया धाम और ये जो गांव नागोई गांव जो है इसके ऊपर जो गौरवशाली इतिहास, ये इतिहास लेके हमारा ये छोटा सा प्रयास ये वीडियो का। ऑलमोस्ट हमारा बिलासपुर शहर का गोद में ये गांव बसे हैं, मैंने करीबन बिलासपुर से 10 किलोमीटर दूरी में हमारा ये गांव है और रतनपुर से ठीक 14 किलोमीटर पीछे, मैंने बिलासपुर रतनपुर का बीचों बीच ऑलमोस्ट आप बोला जा सकते हैं जो आप देख रहा है ये हमारा नागोई गांव है। ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महिमा में भरपूर ये हमारा गांव है। ये गांव का चारों तरफ मैं देख रहा था पुराना मंदिर में भरा हुआ है तालाब में, और हर तालाब फुल टू दी ब्रिम पानी में छकाछक भरा हुआ है। अब इसका पारिपार्श्विक परिवेश भी आप देख रहा है, चारों तरफ बड़ा बड़ा वृक्ष और बनाने का बीच में ये छोटा सा सुंदर दृष्टिनंदन ये बहुत प्राचीन ये मंदिर है, महामाया मंदिर बा महामाया धाम भी बोला जा सकता है। गांव का ये ठीक पश्चिम प्रांत में ये हमारा मंदिर है और ये मंदिर का बारे में बहुत सारा कहावत है, अति प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ था 1200 AD में, 1200 ख्रीस्टाब्द में। तब हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, 1200 ख्रीस्टाब्द का जब बात आ रहा है तो हमारा कालचुरी डायनेस्टी का याद आ रहा है। कालचुरी डायनेस्टी में हम देखे हैं इसका 1100 से 1786 AD तक इसको स्पैन था। प्रथम राजा था हमारा रत्नदीप सिंह और उनका सुपुत्र था हमारा पृथ्वीदेव मान। ये 1200 ख्रीस्टाब्द बोलने से ये मोस्ट प्रोबेबली पृथ्वीदेव सिंह द्वारा ये मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था। हमें धीरे धीरे आपको मंदिर प्रांगण की तरफ लेके जा रहा हूँ, जाते जाते चरित्र परिस्थिति परिवेश भी आप देख रहे हैं और पुराना इतिहास को साथ में इसको लिंक कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इसमें आनंद मिलेगा। आपको इतिहास का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो आपका एक अनुभूति आएगा। ये देखिए मेन गेट है, ये मेन गेट अतिक्रम करके हम लोग धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको पुराना बात बोलते बोलते असली बात छोड़ रहा हूँ। ये एक जमाने में 1100 शताब्दी में हमारा ये चेदी डायनेस्टी दो भाग हो गया था, एक वेस्ट चेदी एक हमारा ईस्ट चेदी। तो वेस्ट चेदी का राजधानी हुआ था त्रिपुरी और ईस्ट चेदी का जो महाकौशल बोला जाना जाता था उसका राजधानी हुआ था रतनपुर। और ये रतनपुर ही हमारा एक राजधानी हुआ था जिसका उपराजधानी था ये नागोई ग्राम। आप देखिए इतिहास क्या बोल रहा है, जब रतनपुर राजधानी था तो नागोई गांव ये हमारा उपराजधानी था और 1200 ख्रीस्टाब्द में हमारा ये कालचुरी डायनेस्टी का कोई नरेश हमारा हिसाब से पृथ्वीदेव वन ये मंदिर को प्रतिष्ठा किया था। और ये मंदिर प्रतिष्ठा करने का टाइम आप सामने जो मंदिर प्रांगण के तरफ हम लोग प्रवेश कर रहा है आप देख रहा है, मैं दूर से और नज़दीक में जब जाऊंगा तब आपको और नैरेट करने का कोशिश करूंगा। अभी जो व्हाइट जो सफ़ेद जो चूड़ा वाला जो मंदिर आप जो देख रहा है वही हमारा महामाया मंदिर है। अभी ये मंदिर प्रतिष्ठा हमारा तो कालचुरी नरेश किया था लेकिन उनको सहयोग किया था उस टाइम हमारा रतनपुर का जो सबसे बड़ा विद्वान आदमी थे उसका नाम था स्वर्गीय श्री तेजनाथ शास्त्री। और तेजनाथ शास्त्री का ही सुपुत्र वो भी स्वर्गीय है श्री सीताराम शास्त्री, हम उस पूर्ण मदद किया था हमारा कालचुरी नरेश को ये मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए। आप देखिए इसका बहिर्दृश्य, मंदिर का प्रवेश द्वार के सामने दो सिंह वाहिनी है, गांव का पश्चिम दिशा में ये मंदिर प्रतिष्ठित है। आप
जब एक गांव में जाएंगे तब आप देखेंगे बिलासपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 10-11 किलोमीटर का बीच में है। आते आते और इसका नज़दीक में एक मंदिर देख पाएंगे, वो हमारा वैष्णव देवी दरबार मंदिर है। जम्मू कटरा का जो हमारा वैष्णव देवी मंदिर है उसका आदल में ये मंदिर भी बना है, और उसी मंदिर से इसी मंदिर का डिस्टेंस करीबन 1 किलोमीटर है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पटभूमि का में सबसे रिच ये एक जमाना का ये गांव हमारा नगोई। ये नगोई गांव के बारे में बोला जाता है, मान्यता है, एक जमाना में इसका आश्रित और 5 गांव था। ये 5 गांव लेके नगोई गांव का एक नया पहचान था उस जमाना में। ये नगोई गांव का 5 गांव कौन कौन था? बहिमा था, खपारखोल था, हरदीडीही था, उरहो पाड़ा था और डहरी पाड़ा था। लेकिन अभी धीरे धीरे समय का साथ साथ बहिमा और खपारखोल अलग सा पंचायत हो गया, बाद बाकी 3 गांव हमारा अभी भी नगोई गांव का साथ मिला हुआ है। अति पुराना मंदिर, माँ का मूर्ति आप देख रहा है। ये मंदिर का गर्भगृह है, गर्भगृह में हम लोग अभी माँ को देख रहे हूँ, माँ महामाया। आप देखिए रतनपुर में हम लोग जो महामाया मूर्ति देखते हैं वो उसमें भी हम लोग देखते हैं माँ शारदा को, माँ लक्ष्मी को, और पृष्ठभाग में मंदिर का पृष्ठभाग में महाकाली को। लेकिन इधर माँ का पूर्ण अवयव आप देख पा रहा है, पूर्ण रूप में माँ सबको सब अवतीर्ण हुआ है। और छोटा सा गर्भगृह है, उसका अंदर में मैं प्रवेश किया था, माँ का दर्शन कर रहा था। लेकिन इधर का जो पारिपार्श्विक जो परिवेश जो है ना, ये इतना दृष्टिनंदन है। ये चारी तरफ बट वृक्ष है, बड़ा बड़ा पुराना वृक्षों भी है, और उसका मैंने नीचे ये मंदिर मैंने सिर ऊँचा करके खड़ा है। ये हमारा निकासी द्वार है, और दूर में जो देख रहा है वो प्रवेश द्वार है। आप उधर से प्रवेश करके गर्भगृह के सामने होते हुए इधर से बाहर आ सकते हैं। मैं इसीलिए आपको ये दिखाने का कोशिश किया हूँ। ये इधर से एग्जिट है, और जो एंट्री आप सीधा जो देख रहा है उधर से आप अंदर आइए और इधर से बाहर जाइए। और ये हमारा फ्रंट पोर्शन है जहाँ हमारा सिंह वाहिनी खड़ा है। प्राचीन मंदिर है, मैं पंडित जी से भी बातचीत किया हूँ। पंडित जी हमको एक किताब भी दिया था, और इस किताब से हमको कुछ खबर भी मिला था, वही पढ़ रहा था, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मिला था आपको सब मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर मैं गर्भगृह में आपको माँ को दर्शन करा रहा हूँ। थोड़ा बहुत पहले मैं आपके साथ चर्चा करते करते एक नाम लिया था, उसका नाम था स्वर्गीय सीताराम शास्त्री जी। हमारा स्वर्गीय तेजनाथ शास्त्री जी का सुपुत्र था, बड़ा पंडित थे, और रतनपुर में राजा व नरेश इनका सहयोग में ये मंदिर प्रतिष्ठा किया था। बाद में ये नगोई गांव का हमारा न्यायपाल का काम करते थे, न्याय विचार उनको बड़ा प्रिय था, और वही न्याय विचार करते थे। इसीलिए बहु बार उनका आत्मीय स्वजन का पास उसको अप्रिय बना पड़ा, क्योंकि सच बोलने से बहुत तो नाराज होता ही है, इसीलिए अप्रिय होना पड़ा। हमारा रतनपुर का जो नरेश जो था उस जमाने में, उसको ये 5 गांव जो 5 गांव का नाम पहले मैं उल्लेख किया हूँ, जिसमें हमारा दोबारा मैं बोल रहा हूँ, बैमा, खपारखोल, हरदीडीही, उरहे पाड़ा और डहरी पाड़ा, ये 5 गांव को हमारा ये सीताराम शास्त्री को मैंने दिया गया था उसको चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए। मैं मंदिर का अंदर में चारों तरफ घूमते हुए आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये मंदिर का पीछे जो पोर्शन जो देख रहा है, ये भी एक मंदिर है, ये हमारा सिद्ध महादेव मंदिर है। आप इधर मैंने जाने के बाद आपको आने की इच्छा नहीं होगा, मैंने इतना आध्यात्मिक चेतना संपन्न ये स्थान है, इधर बैठने से आपको अच्छा लगेगा। शांत एक शीतल परिवेश आपको एक आध्यात्मिक सुख अनुभव करने में मदद करेगा।
आपको इसके लिए भावना का साथ जोड़ना पड़ेगा। आवश्यकता तो कहता है श्रद्धा और आपको भाव तो आपका होना चाहिए, और दोनों का जो सम्मिश्रण होगा तो आध्यात्मिक सुख कौन रुक सकता है। आप आश्रम का बोलिए बा मंदिर प्रांगण का दृश्य को बोलिए, एक अद्भुत शांति मिलता है देखने से। ये हमारा पहले बार था, और नागोई गांव जाने के लिए मैं रास्ता आपको बता दिया था। ये मंदिर है महामाया धाम है, बिलासपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर में ये मंदिर अवस्थित है। ये मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हमारा इधर का मंदिर का जो प्रधान पुजारी जो है वो हमको एक किताब दिया है। मैं किताब को थोड़ा अध्ययन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बैकग्राउंड में आपको बताते जाऊँगा ये मंदिर का पुराना इतिहास। अभी इतना मनोरम परिवेश में ये हमारा महामाया मंदिर है, इसके बगल में पुरातन मंदिर है, इससे प्यारा देखने का पता चल रहा है। सामने जो सिंह जो देख रहा है, सिंह वाहिनी जो देख रहा है, वो भी पता चला रहा है ये पुराना मंदिर है। अभी हम लोग सिद्ध महादेव बाबा मंदिर का तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए मंदिर का जो गेटअप, इससे पता चलता है ये मंदिर भी पुराना ही है, लेकिन इतना पुराना नहीं है जो महामाया मंदिर के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि महामाया मंदिर जो है वो 1200 शताब्दी का है, ये मंदिर शायद इसके बाद में बना होगा। और ये मंदिर में हमारा शिवलिंग प्रतिष्ठित है, भक्त आते हैं, पानी चढ़ाते हैं, प्रसाद पाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूर से महादेव को देख लीजिए, महामाया धाम का पुरोहित हमारा अपना शुभ नाम अशोक शर्मा जी मेरा साथ है। मैं ये मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है, बिलासपुर से करीबन 10 किलोमीटर दूर में ये मंदिर है, लेकिन ये पुरातन मंदिर है। तो हमारा शर्मा जी से मैं पूछ रहा हूँ ये मंदिर का थोड़ा सा इतिहास हम लोग को बताए। बोलिए, ये मंदिर 1000 ऊपर हो गया है, पुरातन मंदिर है। ये मंदिर पुराना है, पुरातन मंदिर है, लगभग 1000 से ऊपर हो गया है। जब ये बाबा जी 85 में आए तो यहाँ का जीवना उद्धार हुआ है, 85 में बाबा जाए तभी इनका जीवना उद्धार हुआ है। उसके बाद यहाँ तक कुछ नहीं था, पूरा जंगल था, विराट था, यही इतनी जानकारी है हमको, और बाकी तो नहीं है। अच्छा, ये माँ का जो मूर्ति मैंने इधर ही था? नहीं, पुरातन था, हम लोग को मालूम नहीं है, राजा समय का मंदिर है। अच्छा, कंचुरी राजा यहाँ कंचुरी डायनेस्टी का इधर तो ये था। हाँ ठीक, कंचुरी राजा का है। मैंने एक चीज़ हमको पता चल रहा है, ये कालचुरी डायनेस्टी का टाइम में ये मंदिर प्रतिष्ठित हुआ था। तो मैं थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद आपको किताब भी मिला है, एक किताब हमको मिला है, एक किताब से मैं थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको मैं नैरेट करूँगा ये एक्चुअली कौन से शताब्दी में कालचुरी डायनेस्टी का कौन सा राजा से ये मंदिर प्रतिष्ठित हुआ था। शर्मा जी आपको धन्यवाद जी, हमको मालूम उतना तो नहीं है, कंचुरी राजा का समय। मैं मंदिर प्रांगण थोड़ा सा घूम रहा था, और घूमते घूमते जो चीज़ मैं देख रहा था आपको सामने मैं प्रतिभात करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये मंदिर के बारे में चर्चा करते करते एक चीज़ हमारा बड़ा परिष्कार होते जा रहा था। पंडित जी शर्मा जी भी बता रहे थे 1985 तक मंदिर का कोई संस्कार कार्य नहीं हुआ था, जंगल में भरा हुआ था, पुराना मंदिर था, कोई देखभाल नहीं किया था। उसके बाद 1985 में हमारा श्री गिरनारी बाबा महाराज हमारा रतनपुर होते हुए गांव में प्रवेश किया था। ये भक्त आदमी थे, साधना करने लगा, और जब ये साधना और प्रकृत भक्त मिल जाते हैं भगवान प्रकट तो होते ही हैं।
धीरे धीरे इस जगह का थोड़ा सा उन्नति होने लगा, और उन्नति होने के बाद माने भक्त समागम होने लगा, और भक्त समागम होने के बाद आज तो ये जो परिस्थिति हुआ है आप अब तो देख ही पा रहा है। परम सुद्रियों से गिरनारी बाबा 2010 में ब्रह्मलीन हो चुके हैं। उसके बाद हमारा गांव का ये मंदिर एक ट्रस्टी बॉडी के हाथ में जाए, यार ये ट्रस्टी बॉडी आज इसको देखभाल कर रहा है। मैं गिरनारी बाबा का जो जगह में बैठ के साधना करते थे उस जगह में भी आपको दिखाऊंगा, और सामने जो आप देख रहे हैं उसी जगह में उसका समाधि भी लगा हुआ है। बाबा जी हमारा जूना अखाड़े वाला थे, मैंने 1985 में हमारा ये गिरनारी बाबा आने के बाद ही ये मंदिर का थोड़ा सा परिवर्जन हुआ था। आज ये एक भव्य रूप लिया है। ये हमारा संत श्री गिरनारी महाराज जूना अखाड़े वाले, उसका एक मूर्ति स्थापन किया गया है, बगल में उसका समाधि। ये आश्रम बोलिए, बाद में ये मंदिर बोलिए, माँ मंदिर प्रांगण बोलिए, इसका जो मैंने एसोसिएटेड जो एरिया जो है इसमें बड़ा बड़ा वृक्ष बट अश्वत्थ गाछ का बीच में एक मैंने इसका ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक महत्व को अस्वीकार अब नहीं कर सकते। मंदिर प्रांगण का चारी तरफ आपको मैं सामने रखने का कोशिश कर रहा हूं। आप लोग ये महामाया मंदिर में आइए नागोई गांव में, आपको अच्छा लगेगा। भक्ति और भावना के साथ जुड़ने के बाद ये मंदिर में जब आएंगे आपको 2 मिनट तो बैठना ही पड़ेगा। इसका मैंने आध्यात्मिक वातावरण महत्वपूर्ण है। बारहवीं शताब्दी का प्रतिष्ठित मंदिर 2024 में भी आज भी प्राणवंत है। मंदिर का चारी तरफ घूमते हुए आपको सामने आप जब गांव में प्रवेश करेंगे मेन रास्ता से तभी आपको अच्छा लगेगा, तोरणदार देख पाएंगे। तोरणदार से आप जब बाएं मुड़ेंगे करीबन 1 किलोमीटर आने के बाद ये मंदिर आपको सामने प्रतिभात होगा। धीरे धीरे मैं मंदिर का गेट से बाहर आ जा रहा हूँ, सामने रास्ता, अभी हमको दाहिने मुड़ना पड़ेगा। एक गाँव का चारी तरफ बहुत सारा तालाब है, बहुत सारा पुराना मंदिर मैं देखा हूं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तब इसका मैंने अनुभव को आप फील कर पाएंगे। अनुभव आध्यात्मिक अनुभव है। मैंने 1200 शताब्दी से बना हुआ जो मंदिर 2024 में स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, 1985 तक इसका इतना देखभाल नहीं हुआ था। 1985 के बाद जब गिरनारी बाबा महाराज जूना अखाड़े वाले इधर आके बैठे हैं तब इसका सही रक्षण बेक्षण और परिवर्तन परिमार्जन और आदमी इसके जुड़ने लगे हैं। जब आदमी का आते हैं रहते हैं जुड़ते हैं चले जाते हैं, ये जुड़ने का प्रक्रिया शुरू हुआ था गिरनारी बाबा रहने का टाइम। उसके बाद 2010 में बाबा
भ्रमलीन हो जाए, और भ्रमलीन होने के बाद हमारा जो गांव का जो हमारा सज्जन लोग है ये एक ट्रस्टी बॉडी बना के इसका देखभाल करने शुरू किया है। सामने रास्ता कंक्रीट का रास्ता है, ये रास्ता पकड़ते हुए मैं अंदर प्रवेश किया था, ये रास्ता पकड़ते हुए मैं बाहर जा रहा हूँ धीरे धीरे। सामने गाड़ी पार्किंग का सुबंदोबस्त है, कोई तकलीफ नहीं है, आप आइए, आपको निजी वाहन लेके आइए, कोई समस्या नहीं है। सामने रखने का बहुत सारा जगह है, चाय का दुकान फुकान अगर इतना नहीं है, थोड़ा सा शहर का मैंने गांव का थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको मिल जाएगा।